कोई आया है अपने डायनासोर के साथ। थैंक यू, थैंक यू। इज योर फुटवेयर? थैंक यू यूवी। गाइस मैं और यूवी जा रहे हैं अब अपना फ्लू शॉट लगवाने, क्योंकि विंटर सीजन आ गया है, फ्लू सीजन आ गया है, तो अब हमें लगवाना है फ्लू शॉट। Let's go. Come on, give me your hand. Yui, can you show what you're carrying? What is this? Dancer. Okay. So guys, बस जा रहे हैं हम। मेरे बाल बहुत ही वाहियात लग रहे थे, तो इसलिए मैंने कैप पहन ली। अभी आके मैं करूँगी वॉश। तो अब हम जा रहे हैं फ्लू शॉट लगवाने। बेसिकली क्या होता है ना, विंटर सीज़न में स्पेशली ये फ्लू सीज़न होता है ना, तो इसलिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि सब लोग अपना फ्लू शॉट लगवा के रखें। तो बस हम वहीं जा रहे हैं। अब हम फ्लू शॉट लगवा के आ गए हैं लाइब्रेरी में। मैं इसलिए धीरे बोल रही हूँ क्योंकि ऑफकोर्स ये लाइब्रेरी है, और यहाँ लाइब्रेरी में ना ऐसे आप ये बोर्ड गेम्स वगैरह ले सकते हो बच्चों के लिए। तो वो खेल रहा है एंड हम फिर कुछ ये बुक्स लेके जाएंगे यूवी के लिए, तो स्टोरी बुक्स वगैरह। लाइब्रेरी बिल्कुल पास ही है, तो स्टोरी बुक्स वगैरह ले जाएंगे उसको। नाइट टाइम स्टोरीज़ वगैरह के लिए लाइब्रेरी कार्ड होता है, वो हमारे पास ऑलरेडी है। आपके पास नहीं है तो आप वो बनवा सकते हो। इट्स एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो या the train one knows. And the purple one goes. Purple one goes. The green one goes. अभी मैं आपको बताती हूँ विंटर में हेयर केयर कैसे करना है। मैं इस चीज़ को हफ्ते में एक बार ट्राई करती हूँ करने का। वैसे प्रैक्टिकली 2 हफ्ते में एक बार कर पाती हूँ, बट अब से एक हफ्ते में हर वीक करूँगी इसको। तो ये 3 स्टेप प्रोसीजर होता है, बहुत सिंपल, बहुत ईजी। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो आपके घर में होते हैं। तो मैं सबसे पहला स्टेप दिखा देती हूँ। पहले मैंने यहाँ पे लिया है कोकोनट ऑयल एंड बटर, ठीक है। इसको मैं वार्म कर लूँ थोड़ा सा, फिर इसको मैं मसाज करूँगी अपने हेयर में। उसके बाद गाइस आपको बेसिकली स्टीम देनी होती है, तो मेरे पास ह्यूमिडिफायर था तो मैंने ह्यूमिडिफायर से किया। बाकी अगर आपके पास स्टीम या ह्यूमिडिफायर नहीं है तो आप एक टॉवल को वार्म वाटर में सोक करके ड्रेंच करके उससे भी अपने बाल टाई कर सकते हो। ओके गाइस, सारा किचन साफ कर दिया है मैंने, है ना, एकदम प्रॉपर। ये पूरा गैस वगैरह सब चमका दिया है और इसको लगे हुए हो गया है 40 मिनट्स, तो अभी लगा रहेगा। अभी बस मैं फटाफट से क्या करूँ, मेरे को बनाना है आज बटर चिकन। मैं चिकन खाती नहीं हूँ, लेकिन यूवी और हमेश को अच्छा लगता है, तो आज वेडनेसडे भी हमें पास टाइम होता है, तो मैं आज उनके लिए बना रही हूँ। तो मैं बस उसके लिए ग्रेवी के लिए प्याज और टमाटर इसमें रेडी कर दूँगी। तब तक मेरे को करना पड़ेगा एक मेरे पास बहुत ही भयानक काम है, मैं आपको दिखाती हूँ। डोंट जज मी, ओके। अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। इतनी आसानी से होता तो मैं पहले ही कर लेती ना, बट मैं करूँगी आज, मुझे करना है इस चीज़ को फटाफट से। ओके गाइज, अभी बस मैंने काम चलाऊ थोड़ा सा किया है। तो ये बेसिकली इस पे मेरे ये डेली वेयर के कपड़े हैं ना, जैक ओवर कोट्स तो अमिश के रैक में मैंने रखे हुए हैं, बट ये जो स्वेटर्स और कुछ ड्रेसेस वगैरह हैं ये यहाँ पे हैं। उसके अंदर बहुत कुछ है और ये अभी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है करने की, अभी मतलब लगा लो 80% काम हो गया। ये फाइन इनको जो करना है ना वो थोड़ी बाद में करूँगी। क्या हो रहा है, मैंने यूवी के लिए राइस रख दिए बनने एंड इधर बटर चिकन की ये ग्रेवी रेडी हो रही है। अब बस मैं अपने बाल वॉश कर रही हूँ। सो ये कैरेस्टेस का शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा ये शैम्पू लेना है, थोड़ा सा वाटर, मतलब शैम्पू से डबल वाटर एंड थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर। ओके गाइज, अब मैंने हेयर वॉश कर लिया, आप देखो। और मैंने कोई कोम नहीं किया इनमें, सिर्फ हाथ से इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे कोशिश करना है इनको स्ट्रेट करने की। अब हमें क्या करना है, होममेड सीरम बनाना बहुत इजी है, वो मैं आपको दिखा। थोड़ा सा लेना है एलोवेरा जेल, बस मैं अभी के लिए बना रही हूँ इसको, ठीक है। और थोड़ा सा होहोबा ऑयल। होहोबा ऑयल क्या होता है, ये ना आपको मॉइस्चर देता है पर ये ऑयली नहीं करता। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लो हैंड से। इसको मैं अब लगा लूँगी अच्छे से मिक्स करके। अच्छे से उसको मेक श्योर करना है कि वो मिक्स हो जाए, है ना। फिर जैसे सीरम, जैसे कोई भी सीरम लगाते हैं ना, एंड्स पे सबसे पहले। नेचुरल एलोवेरा भी ले सकते हो, मेरे पास ये पड़ा था तो मैंने ले लिया। एक तरीके से क्रीम सी बन जाएगी ना। और अच्छा, इस टाइम आपको कोई इस पे हीट नहीं लगानी बालों पे, ये भी ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। ये नहीं कि चल के ब्लो ड्रायर कर लो जी, क्योंकि हम इसको अभी मतलब हेयर को नरिश करना चाह रहे हैं ना, तो कोई इस पे अभी आपको हीट वगैरह कुछ नहीं लगानी। और बस हैंड से ही आपको जो भी आपके नॉट्स हैं उनको खोल लो, है ना। और ऐसे ऐसे करते रहो बालों को ताकि वो स्ट्रेट से हो जाए। थोड़े हेयर फॉल मुझे हो रहा है, बट थोड़े लंबे खुले रखती हूँ ना बाल, तो फिर इसलिए भी होता है हेयर फॉल। और बस ये सारा सीरम एंड्स तो बालों पे ज़रूर लगा।